हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैमरा वाला प्रेम। सलाम, नमस्ते, प्रणाम। अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में और आज का जो वीडियो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत रिसर्च वर्क किया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे माइक से जब मैं हेलमेट में यहाँ पे जब गोप्रो माउंट करता था तो ऑडियो, मतलब ऐसे जब गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं होती थी, हवा नहीं चलता था, तब तो आवाज़ अच्छी आती थी, लेकिन जब हवा चलता था, गाड़ी स्पीड में होती थी, तो आवाज़ नहीं आ पाती थी अच्छे से। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली मोटो व्लॉगिंग सेटअप करने का है। एक नॉर्मल सा स्टड्स का हेलमेट है, थंडर एडिशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे बड़ा सा थंडर लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, ऐसे यहाँ पे बड़ा सा थंडर लिखा हुआ है। अभी तक मैंने 5-6 हेलमेट्स खरीदे, उसमें सबसे बेस्ट मेरे को लगा ये, क्योंकि ये लुक वाइज भी अच्छा है, बजट वाइज भी अच्छा है। अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टड्स का थंडर। मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरे वीडियो को देखो और इसकी ऑडियो टेस्ट भी होगी इसी वीडियो में। तो आज जो अपने पास इक्विपमेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कैमरा कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए, ये है GoPro Hero 8। मतलब दिस इज द बेस्ट एक्शन कैमरा अभी तक में, मतलब बेस्ट है, अभी 9 आ चुका है। दूसरी चीज जो अपने पास है वो है GoPro का मीडिया मॉड। ये जरूरत पड़ता है हीरो 8 में, 7 में इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। 7 में जरूरत पड़ता था, एक अलग से एडाप्टर आता है GoPro का, उसका भी लिंक दे देता हूँ मैं। और ये रहा एडाप्टर, इस साइड या इस साइड कहीं भी एडाप्टर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मीडिया मॉड को कैसे माउंट करते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। GoPro में जिनके पास भी हीरो 8 होगा उसमें यहाँ पे एक डोर होता है इसका, उसको आप हल्का सा ऊपर करके फ्लिप करते हो तो निकल जाता है। और यहाँ पे देखो टाइप सी एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपके चार्जिंग सॉकेट में जाता है। इसको सिंपली यहाँ से इन करो और थोड़ा सा दबा दो, ये अपना GoPro Hero 8 सेट हो गया। फिर इस डोर को यहाँ से बंद कर दो, ये सेट है पूरा। अब बहुत लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है कि जब आप हीरो 8 और मीडिया मोड को लगाते हो और अगर आपने हीरो 8 का लेटेस्ट वर्जन नहीं अपग्रेड करके रखा है तो माइक सपोर्ट नहीं करता इसमें। तो मेरे साथ भी इशू हुआ था, मैं जब इसको लगा रहा तो सपोर्ट नहीं करता। इसको अपग्रेड कर लो, यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा डिस्प्ले में माइक का सिंबल बन जाएगा। जैसे आप एक्सटर्नल माइक अटैच करते हो उसमें प्लस का साइन बन जाता है। ये सिंपल सा एक, मतलब सिंबल है, अच्छा है, GoPro की तरफ से बताया गया। तीसरी चीज़ है अपने पास, ये एक TRS जैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वाला माउंट यूज कर रहे हो, इसका भी एक अल्टरनेट है, जे माउंट आता है, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। एक्शन कैमरा का आप ले सकते हो जे माउंट। मेरे को थोड़ा सा रिलायबिलिटी में लग रहा था डर, क्योंकि अगर टूटा तो भाई GoPro इज कॉस्टली कैमरा है, तो गिर गया तो कोई लॉस है। तो इसका उपाय मैंने किया, ये एक TRS माउंट है, ये 650 रुपये का पड़ा है अमेजोन से, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतर, मतलब यहाँ पे 3-4 कोटिंग दिया हुआ ताकि वायर आपका बेंड ना हो। ये पूरा गोल्ड प्लेटेड मेटल का है, ये दोनों साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको देख के ही लगेगा ये काफ़ी मजबूत है। तो ये तीसरी चीज़ अपनी। जो अगली चीज़ है अपने पास वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माइक। मतलब ये एक लेवलियर माइक है और ये मैंने मंगवाया था माउना का, मतलब ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसे 699 का आता है, अमेजोन पर भी 450 के अराउंड पड़ेगा आपको। तो ये अच्छा सा एक पाउच के साथ मिलता है आपको इसमें रखने के लिए। और प्लस पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इट्स गुड, आप हेलमेट के अंदर आराम से सेट करते हो। हम आगे बताएंगे कि हेलमेट के अंदर कैसे माउंट कर रहा हूँ, मेरा भी पहली बार है तो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही होगा। तो दीज आर द थिंग्स, इन्हीं को यूज़ करके अपन मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार करने वाले। तो चलो फटाफट तैयार करते हैं। माइक एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेलमेट के अंदर जो कुशन दिए हुए हैं वो डिटैचेबल होने चाहिए। मतलब ये राउंड अगर अपन करते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि आप वायर को पीछे कहीं पे एडजस्ट कर पाओ। पहले सारा डिटैच करते हैं, तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। अपना ऑन किया, ये लेंथ है अपना, पार्किंग एरिया में, और मैंने मास्क पहना है, मास्क के ऊपर से हेलमेट पहना है। तो ऑडियो अभी तो मुझे पता नहीं कि कैसा आ रहा है, लेकिन होप कि अच्छी आ रही होगी ऑडियो। अब चलते हैं सीधा ट्रैफिक वाले एरिया में, फिर देखते हैं। अभी निकल रहे हैं हम ऑफिस की पार्किंग से, देखते हैं बाइक की कितनी आवाज़ आ रही है और थ्रॉटल की कितनी आवाज़ आ रही है। देखो बाहर में थोड़ा हल्ला भी है। हेलो, आप सभी से अनुरोध है राइट हैंड साइड ऐसा ऑडियो आता है, देखते हैं ट्रैफिक जाम चलो नहीं है ज़्यादा।
थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी हेलमेट का कांच खुला हुआ है और अभी हेलमेट का कांच बंद है, दोनों में ऑडियो पता चल जाएगा कैसा आ रहा है। अभी मैं हूँ रांची रेलवे स्टेशन के पास और अभी माइक का प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे किया है हेलमेट से, मतलब हेलमेट के नीचे वाले पार्ट पे। अभी देखते हैं कि विंड नॉइज आता है या इट्स गुड टू गो, क्योंकि जहाँ पे पहले लगाई थी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टच होता है, तो अभी चेक करते हैं अपन जब गाड़ी तेज चलाते हैं तब कैसा है। अभी अभी गाड़ी चल रही है 60 के स्पीड में, ये देखो 60 के स्पीड में। देखते हैं कैसा होता है अभी ऑडियो। हवा भी बहुत विंड ब्लास्ट मार रहा है, लेट्स चेक इट, जो भी बेस्ट होगा मैं उसी में रखूंगा इसको।